रात को तकरीबन 11 बजे तक मैंने अपने मोबाइल में साउथ की एक मूवी देखी। ये मेरा रोज का था। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो, मेरा नाम है वीर, इस कहानी का एक लौता हीरो। अब कहानी में आते हैं। मूवी चल ही रही थी कि बीच में माया की व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। फिर मूवी को वहीं स्टॉप करके मैं माया से चैट करने लगा। कुछ घंटे बाद मेरी आंखें भी कहने लगी कि भाई अब तो आराम करने दे, और मोबाइल भी मानो बोल पड़ा, रहम करो मालिक, मेरी बैटरी 5% पर है। उन दोनों पर तरस खाकर मैंने माया को बाय बोल दिया। मोबाइल को साइलेंट मोड में डालकर मैंने उसे टेबल पर रख दिया। फिर लाइट्स ऑफ करके बेड पे आकर चादर खींच के मैं आराम से सो गया। अभी नींद को आए कुछ घंटे ही हुए थे कि मेरी आंखों के सामने कुछ धुंधले धुंधले से दृश्य मानो किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगे। उन दृश्यों में मैंने देखा कि एक गांव में एक सरकारी स्कूल के आंगन में मास्टर जी और कुछ विशेष अतिथियों की हाजिरी में एक बड़े से स्टेज पर हाथ में माइक लिए स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी एक 16 साल की दो चोटी वाली खूबसूरत लड़की, जो उस वक्त अपनी खूबसूरत मीठी आवाज में एक गाना गा रही थी। वही नागिन फिल्म का वो गाना जो हर बार मुझे मेरे उन अजीब सपने में ले जाता था, कुछ पुराने बिछड़े पलों की याद दिलाता था। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अचानक ही दृश्य बदला। अगले ही दृश्य में कुछ गुंडे उसी दो चोटी वाली लड़की को एक वैन में उठाकर ले जा रहे थे। और अगले दृश्य में अपने आप को देखता हूँ किसी फिल्म की हीरो की तरह, उसे बचाने के लिए मैं उन गुंडों से लड़ रहा था। फिर कुछ दृश्य बदला और उसमें मैंने एक शादी वाला कमरा देखा। सुहागरात की सेज पर दुल्हन के लिबास में लंबा घूंघट ताने एक लड़की शर्मा कर मानो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अगले ही दृश्य मैंने उसे क्रूरता से गला दबाकर मार डाला। किसी झील के किनारे शादी के जोड़े में लोही लुहान पड़ी एक लड़की को मैं अपनी बाहों में उठाकर दौड़ते हुए मैं उसे गांव की ओर ले जा रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मुझ पर वार किया और आधी रात को मैं घबरा कर उठ गया। इन्हीं घटनाओं के बारे में सोचते हुए मैं कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। फिर थोड़ा पानी पीकर मैं वापस सोने की कोशिश की, पर इस बार मुझे गहरी नींद आ गई और सुबह एक और सपना आया जिसने मेरी नींद ही उड़ा दी। मैंने सपनों में देखा कि एक गांव की वो सीम तक ले जाती वीरान पगडंडी एक भागती हुई लड़की के साथ उसका हाथ थामे भागता हुआ मैं। अगले ही दृश्य में गुंडों का हम दोनों को घेर लेना, मेरा उनके साथ लड़ाई करना, एक चींक के साथ उस लड़की का वही गिर पड़ना, मेरा उसकी ओर मुड़ना और मेरे सर पर पीछे से किसी का मारना और मेरी आंखें खुल जाना। मैं एकदम से बैठकर खड़ा हुआ। ये सपना था या हकीकत? शायद ये एक ही सपना था। नहीं, ये कोई सपना नहीं, कुछ तो है जो मुझे याद नहीं। मेरे साथ मेरे अतीत में कुछ तो हुआ है, वरना क्यों बार बार वही घटनाएं सपने की तरह मेरी आंखों के सामने आ जाती है। टाइम देखा तो सुबह के 7 बजे थे। आज फिर से वही डरावने सपने आए। क्या राज था इन सपनों का, क्यों ये बार बार मुझे ही दिखाई देते थे? मेरे पास थे तो सिर्फ सवाल, उनके जवाब मुझे खुद ही ढूंढने थे। 8 बजे तैयार होकर मैं मेरी बाइक लेकर अपनी कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में एक चाय की टपरी आई, रोज की तरह मैंने वहां अपनी बाइक रोकी। गोवर्धन टी स्टॉल, मैं यहां रोज आया करता था। यहां की चाय मेरी फेवरेट थी। मैंने वहीं खड़े एक नए लड़के को चाय के लिए बोल दिया, अरे ये छोटू एक हाफ कटिंग चाय देना। चाय के आने तक मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप देखने लगा। माया का लास्ट सीन था 12:45, मतलब कल रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास सोया था, इसलिए शायद मेरी आंखें अब भी नींद से भरी हुई थी।
आज वो शर्मा सर के असाइनमेंट ना होते तो मैं कॉलेज जाता ही नहीं, अपने कमरे में ही 12 बजे तक सोता रहता। माया से ऐसी तो क्या खास बात ही कर ली कि कल रात वक्त का पता ही नहीं रहा। शायद कल रात उसने मुझे आई लव यू कहा था, पर मैं उसे खास कोई रिप्लाई दे पाता उससे पहले ही मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और हमारी बातें अधूरी रह गई। 12:40 पर मैंने उसे कहा था कि अब हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है, कल बात करेंगे। आज वो इसके बारे में फिर पूछेगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और मुझे अगली बार की तरह इस बार भी उसे यही कहना होगा कि हम सिर्फ दोस्त थे और दोस्त बनकर रहे तो ही अच्छे हैं, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता, करता हूँ, बहुत करता हूँ। पर इतने में वो लड़का हाथ में चाय की प्याली लेकर आया और कहा, साहब आपकी चाय। और हंसते हुए बोला, मेरा नाम छोटू नहीं कार्तिक है। उसकी आवाज ने मुझे मानो उन ख्यालों से बाहर निकाला। मैंने उसके हाथ से चाय लेते हुए मुस्कुराकर उसके सामने देखा, कार्तिक बहुत ही अच्छा नाम है, फिर तुम्हें सब छोटू क्यों बुलाते हैं? उसने कहा, क्योंकि मैं चाय बेचता हूँ। चाय वाले लड़के का एक कॉमन नाम होता है छोटू, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो सब उसे छोटू ही कहते हैं। मैंने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, आज से मैं तुम्हें छोटू नहीं कार्तिक ही बुलाऊंगा, चलेगा ना? और वॉलेट में से 1 ₹10 की नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दी। उसने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और पैसे लेकर चला गया। चाय की हल्की सी घूट में मानो मैं उसके नशे में खो गया। चाय में भी यार गहरा नशा होता है और वो नशा हर किसी को नहीं दिखता, उसे ही देखता है जो चाय को दीवानों की तरह पीते हैं। मैं चाय की प्याली में कहीं खोया हुआ था कि अचानक उस चाय वाले लड़के ने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर नागिन फिल्म का एक दर्द भरा गाना बज रहा था, वही गाना जो मैं अपने सपनों में कई बार सुन चुका हूँ। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, आओ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, ओ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ये गाना सुनकर मानो मेरा सर घूमने लगा, कुछ धुंधले धुंधले से दृश्य मानो मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगला पार्ट अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगला पार्ट बना पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।